सरकारी वकील से श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई लाने की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच जाएगा श्रीदेवी का। उससे पहले मुंबई में श्रीदेवी के घर और अनिल कपूर के घर के बाहर उनके प्रशंसक मौजूद हैं, तो भीतर परिवार से मिलने के लिए कई सितारे पहुंच रहे हैं। श्रीदेवी की मौत के बाद पूरा फिल्मी जगत सदमे में है। जाने माने अभिनेता अनु कपूर ने उनके अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश की। न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता अंकुश जायसवाल ने लगातार कई सुपरहिट फिल्म देने वाली श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है। उनके निधन से बॉलीवुड के साथ साथ तमाम सिने प्रेमियों को एक झटका लगा है, लेकिन उनके मौत पर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। हमारे साथ मशहूर मनोचिकित्सक अनुजा कपूर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सवाल जो आपने उठाया मैम, आखिर क्यों, वजह क्या है? देखिए, मुझे क्योंकि हम लोग एक लॉयर भी हैं और मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक ऑलरेडी स्पेशल पुलिस ऑफिसर होने के नाते कई बार क्राइम सीन्स पर भी गई हूँ बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से, और देखती हूँ कि जब हम लोग किसी चीज को जब समझना शुरू करते हैं तो ये जरूर देखना जरूरी है कि आप हर एक चीज को एक ही एंगल से ना देखें। डेथ अगर जिस तरीके से उसको रिटन लिखा गया है कि वो एक्सीडेंटल है, सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट निकल कर आया, तो अब आप ये देखिए कि जहां पर ये समझने वाली बात है कि एक डॉक्टर भी ये कहता है कि कार्डियक अरेस्ट है या पॉइजनिंग है, टॉक्सोलॉजी और ये सब विसरा के बाद ही बताएंगे कि कार्डियक अरेस्ट है कि नहीं। ऐसा कौन सा बंदा है जिसको पहले से पता था कि कार्डियक अरेस्ट है विदाउट डूइंग अ पोस्टमार्टम? नाउ एवरीबॉडी इज सेइंग कि पोस्टमार्टम जब तक नहीं हम बोल नहीं सकते, तो कार्डियक अरेस्ट किसने बोल दिया? आज जब वो कार्डियक अरेस्ट अंदर से, तो ये खबर किसने बताई? सबसे पहले तो इसका ओरिजिन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये बात पता चला कि वो बाथरूम में टब के अंदर मर गई, अब आप मुझे बताएं टब के अंदर कोई बंदा, आप उसकी हाइट जो और उसकी विड्थ देखिए, क्योंकि वो कोई चैनल दिखा रहा था, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसकी विड्थ और हाइट अगर हम देखते हैं और श्रीदेवी की हाइट देखते हैं तो वो उसके अंदर सबमर्ज नहीं हो सकता। सेकेंडली, क्या कहीं ना कहीं श्रीदेवी का जो हम जिसको डीवा मानते हैं, क्या उसके अंदर उनको वो इतनी हेल्दी थी? आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको देखकर कि उनको हार्ट अटैक, देखो किसी को भी हो सकता है, पर क्या उनकी हिस्ट्री थी, हार्ट अटैक की हिस्ट्री थी? जिसने भी इस चीज को फ्लोट किया मार्केट में, क्या वो एक हिस्ट्री के तौर पर बताया उन्होंने? क्या उनका हिस्ट्री था कार्डियक अरेस्ट का? किसकी अथॉरिटी थी ये? क्योंकि बोनी कपूर की तरफ से तो किसी बंदे ने बात नहीं करी, पीआर ने बात नहीं करी, तो ये बात पहले से कैसे पता आप बात कर रहे हैं? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इवेंट मैच नहीं कर रहे। यानी रिपोर्ट पर मैम आप सवाल उठा रही हैं कि ये रिपोर्ट भी गलत हो सकता है जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है? अब आपको मालूम ही है, वो आप देख ही रहे हैं, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कल और उसी के दौरान एकदम से अभी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की आप स्पेलिंग भी देख रहे हैं, बट खैर उसकी बात अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से रिलेटेड ये भी देखा जाता है कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग तब होता है जहां पर, और वो भी ड्राउनिंग वो भी टब में, कि उसमें इतना आप सबमर्ज कर जाएं, और ऐसा कोई आप सबमर्ज नहीं कर रहे हैं कि जहां पर कि आप अचानक से बाहर नहीं आ सकते। कोई बच्चा छोड़े ना है 4-5 साल का कि जो अंदर डूब गया तो डूब ही गया, तो आप बाहर नहीं आ सकते। और दूसरी बात यह कि इतना कितना इंटॉक्सिकेशन, ऐसा कौन सी ड्रिंक हो गई, वाइन कितनी चढ़ जाएगी और कितना हो जाएगा, क्योंकि वाइन के साथ या तो ड्रग्स लिए जाए, देखिए समझने वाली बात है, या आप उनके साथ कोई ऐसी एंटीबायोटिक ले रहे थे जिसके अंदर आप इतना हो गए कि आप जब सबमर्ज करें तो आप बाहर नहीं आ पाए। अंटिल अनलेस देयर इज समथिंग एल्स, समझने वाली बात यह है, बात ये नहीं है आदमी के का निधन हो सकता है, बात कार्डियक अरेस्ट में बंद हो गई थी, पर जब दुबई का प्रॉब आया कि ये बाथटब डेथ है तो खनकता है कार्डियक अरेस्ट बोला किसने? बिल्कुल, मनोचिकित्सक अनुजा कपूर का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि पहले ये बताया गया कि अटैक है, अब रिपोर्ट ये दिया जा रहा है कि टब में डूबने से मौत हुई है। सवाल कई हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।